छोटा सा कच्छ के बच्चों का अनुभव है आपसे बांटना चाहूँगी। मधु चैतन्य में तो आने ही वाला है वो, लेकिन आपको पहले ही बता देती हूँ, उन बच्चों की वाणी में मैं तो सुनना चाहूँगी, लेकिन वो बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, कौन है, लेकिन चूंकि उनका अनुभव उनकी माँ ने लिख करके भेजा है, क्योंकि 5 और 7 साल के बच्चे हैं कच्छे के, वो कहीं अपने मामी के साथ, मतलब माँ के साथ मायके गए थे, मामा के यहाँ गए थे, और वहाँ से मामी जाने वाली थी कहीं, तो उनको अपने साथ लेकर के गई, शायद अपने मायके लेकर के गई। 5 साल का बेटा, 7 साल की बिटिया, उनको लेकर के गई वो, और पास ही गांव था, बहुत दूर नहीं था, मोटरसाइकिल से गए थे और मोटरसाइकिल से ही लौट रहे थे। तो लौटते समय उनका एक्सीडेंट हुआ, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल का, और ये सब के सब ऐसे एकदम फेंके गए जैसे, तो दोनों के दोनों बच्चे एकदम अच्छे से 10-15 फुट ऊपर फिक गए, वो भी साथ में जो भी चला रहा था और पीछे जो बैठी थी उनकी मामी, सब के सब जैसे फेंके गए, उसमें से वो दो बच्चे ज़्यादा ही ऊपर उछल गए। और उसके बाद में उनके शब्दों में कहें तो स्लो मोशन में वो लोग नीचे आए, ऐसे जैसे लाइक पंख होता है ना कोई, ऐसे स्लो मोशन में आए, और जो रोड डिवाइडर होता है वहाँ घास उगी थी, वहाँ पे वो बच्चा घास के ऊपर आकर के गिरा और सो गया, और वो जो बेटी थी वो रास्ते पर उतर गई, उसको कुछ नहीं हुआ, गिरी विरी नहीं, कुछ चोट नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, एक खनोज भी नहीं। 10-15 फुट ऊपर फिक जाए बच्चा, और उसके बाद में वो 15 फुट से कोई गिरे या 5 फुट से कोई गिरेगा तो भी उसे लगेगा, और उन दोनों बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, और जो मामी थी उसको थोड़ा सा माइनर इंजरी हुई, थोड़ा सा लगा, और 1-2-3 स्टिचेस आए। वो लोग साधक थे कि नहीं, इतना उसमें क्लियर नहीं था पत्र में, ये दोनों बच्चे साधक थे। तो घर पे जैसे लौटे, माँ ने कहा कि नहीं, जब फ़ोन आया दवाखाने में है और एक्सीडेंट हो गया और ये वो, तो मुझे कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बाबा स्वामी मेरे साथ है, तो बच्चों को कुछ हो नहीं सकता। जबकि फ़ोन पे ये कुछ भी क्लियर नहीं था कि इन बच्चों को चोट लगी या नहीं लगी। जब वहाँ जाकर के देखा, बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक थे। घर पे आए, उन्होंने कहा चलो प्रणाम करो स्वामी जी को, उन्होंने ही तुम्हें बचाया है ना। तो वो जो 5 साल का बच्चा है ना, वो बोलता है माँ बाबा स्वामी है ना, वो इतने छोटे से नहीं है, वो बहुत बड़े हैं। तो उसकी मम्मी को लगा शायद वो फोटो की बात कर रहा है, तो बोले हाँ बेटा इतने छोटे से नहीं है, वो बड़े ही हैं, जैसे अपने लोग सब लोग होते हैं ना वैसे बड़े हैं। नहीं वो इतने नहीं, वो बहुत बड़े हैं। जब हम लोग ऊपर उछल गए थे ना, तो स्वामी जी ने हम दोनों को पकड़ा था, गोद में लिया था और नीचे उतारा। अब ये कोई कोरी कल्पना तो हो नहीं सकती ना, दोनों बच्चों का वो अनुभव था। तो कहने का अर्थ कि अनुभूतियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं, और बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं ना, वो बहुत दिल से जुड़े होते हैं। और वैसे भी स्वामी जी ने कहा, ये समर्पण के जो बच्चे हैं, आने वाली जो नई पीढ़ी है, वो बहुत उच्च किस्म की, बहुत उच्च कोटि की अच्छी आत्माएं हैं, उन्हें मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना है, इस इच्छा के साथ उन बच्चों ने जन्म लिया है। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि वो हमारे बच्चे हैं। तो कहने का अर्थ, ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था, ऐसा पूर्ण समर्पण जब बच्चों का था, साधकों का था, तो उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, गुरु शक्तियों ने उन्हें बचा लिया, स्वामी जी उनके गुरु हैं तो उनको उस रूप में नज़र आई। बाकी गुरु शक्तियाँ हर जगह विद्यमान है, जहाँ जहाँ साधक हैं, गुरु शक्ति हर किसी के साथ है, ऐसे नहीं कि वो बच्चों के ही साथ थी, वो हर किसी के साथ है, हर जगह विद्यमान है। वो कहते हैं कण कण में भगवान है, वही कण कण में गुरु शक्तियाँ हैं, हर जगह हैं, हर स्थान पर हैं। आप जिस स्थान पर उसे पुकारोगे, वो स्थान पर आपकी सहायता करेंगी, बस आपकी पुकार पूर्ण समर्पण के साथ होनी चाहिए, तो फिर चिंता किस बात की। और जब चिंता नहीं है, तो क्या हृदय चक्र हमारा कोई भी दोषित हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी कोई कीटक, कोई गाय बकरी, कोई चर नहीं सकता, और चर नहीं आए तो समर्पण रूपी
गुरु शक्तियों का डंडा उन गाय बकरियों को दूर भगाएगा, समर्पण रूपी स्प्रे उन छोटे छोटे कीटकों को दूर भगाएगा, उन्हें आपके आसपास आने भी नहीं देगा। चाहिए तो केवल आपका पूर्ण समर्पण चाहिए। इससे ऊपर उठते हैं, हमारा आत्मा का और विकास होता है और ऊपर के स्तर पे आते हैं। हम लोभ से छूट गए, चिंता से मुक्त हो गए, तो भी ऊपर आकर के हर जगह कीटक होते ही हैं, हर जगह दोष आने का पूरा संभावना रहती है, सिर्फ हमें बचते रहना है। तो आए विशुद्धि पर, विशुद्धि पर आए यानी हमारे अंदर की गिल्टी फीलिंग, हमसे ये नहीं होता, हमें तो कोई काम नहीं देता, कोई काम करने नहीं देता, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, ऐसी गिल्टी फीलिंग की भावना, और या फिर मैं कहूँगा वैसे ही करना होगा, दोनों ही बातें होती हैं विशुद्धि में। या तो आप गिल्टी फीलिंग करते हो या फिर दादागिरी करते हो, तो दो में से कुछ भी हो सकता है। जो मैंने कहा वही सच है, मैं कहूँ वो पूर्व दिशा, तो दो में से कुछ भी, और या फिर वैसे सामाजिक स्तर पे लें तो धार्मिक कट्टरता, किसी भी बारे में अतिशय कट्टरता, बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं कि नहीं हमारा धर्म अच्छा या हमारा यही अच्छा। तो गुरुदेव तो हमेशा कहते हैं कि आप मध्य में रहो, ना कहो कि यही अच्छा है या यही बुरा है, ऐसी किसी भावना में मत रहो, गुरुदेव की इच्छा बस मान करके चलो हर चीज़ को। तो हम योग्य हैं अयोग्य हैं, अरे हम गुरुदेव के बच्चे हैं, इसी में सब आ गया, तो फिर हमें ऐसे सोचे ही क्योंकि हमारे अंदर कोई कमी है। अरे गुरुदेव के बच्चों में कोई कमी हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। तो ये जो हमारे अंदर एक लघुता ग्रंथि है कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी इसीलिए मुझे कोई कार्य नहीं देता, शायद मुझ में ही कोई कमी होगी इसीलिए मेरा विकास नहीं होता, अरे मेरा विकास नहीं होता यानी मैं सोच रहा हूँ मेरा विकास नहीं होता इसलिए नहीं होता, सोचता हूँ कि मुझे कोई अनुभूति नहीं होती इसलिए नहीं होती। आप जिस क्षण प्रार्थना करोगे कि गुरुदेव आप मेरे आसपास हैं, इसका मुझे अनुभव करना है, आप देखिए आपको तुरंत अनुभव होगा उसका। गुरुदेव आप मुझे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें, ऐसा कह के निकले आप देखिए आपको पूरी सुरक्षा मिलती है। तो गुरुदेव आप मेरे साथ हैं तो मैं एक कंप्लीट पर्सन हूँ, मैं एक संपूर्ण हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। तो ऐसी संपूर्णता का एहसास, कोई कमी नहीं है, निर्दोष है, मैं एक निर्दोष आत्मा हूँ। ये निर्दोष आत्मा से मुझे एकदम याद आया, गुरुदेव ने कभी तो किसी लेक्चर में अभी अभी शायद कहा था कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। तो लोगों ने मंत्र की तरह उसका उच्चारण करना शुरू कर दिया, तो वो ध्यान के समय वो ही बोलते हैं, मंत्र बोलना छोड़ दिया। कमाल है भाई, गुरुदेव क्या कहते हैं आप क्या समझते हो? ये गुरुदेव ने कब के लिए कहा? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पता नहीं क्या क्या समझ करके सब लोग बैठते हैं। जब आप अकेले घर में ध्यान कर रहे हैं तब आप मंत्र बोल करके ना करना चाहें, मौन ध्यान करना चाहें, तो केवल कहिए कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, या मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैंने जन्म क्यों लिया है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो जब हम ऐसा प्रश्न करते हैं तो हम अपने अंदर की यात्रा, अंदर की जर्नी शुरू करते हैं। तो उसके लिए आप सब पूरा सामूहिक ध्यान में बैठे और आप क्या ये बोलेंगे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, या मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। सबके साथ बैठोगे, सामूहिक ध्यान कर रहे हो, 100-200 लोग हैं, 50 लोग हैं, तब तो जो हमारे 3 मंत्रों का सेट है वैसे ही बोल करके ध्यान करना होता है। तो ऐसे गड़बड़ करते रहते हैं हम लोग। वो बोलते हैं ना स्वामी जी, कहते हैं खेत की सुनते हैं खलिहान की, यानी स्वामी जी ने कहा एक आप सुनते हो कुछ और, समझते हो कुछ और, और बहुत उससे मजेदार मजेदार बातें हो जाती हैं कभी कभी। ऐसे ही कच्छे के एक साधक है, उन्होंने अपना अनुभव बताया। उन्होंने अनुभव ये बताया, बोले गुरुमा स्वामी जी आए थे कच्छ में, उन्होंने कहा कि आश्रम के लिए 3 ऑप्शन देता हूँ तुम्हें, कोई मतलब 3 मुझे ऑप्शन दो, ऐसे कुछ गुरुदेव ने कहा होगा जमीन के लिए, तब ये जमीन का कुछ हुआ नहीं था।
तो तीन ऑप्शन दो मुझे या तीन ऑप्शन देता हूँ, ऐसा कुछ गुरुदेव ने कहा। तो ये बात उन्होंने और साधकों को बताई, तो वो एक साधक से दूसरा साधक, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे तक पहुँचते पहुँचते बात का कुछ हो गया। फिर बात क्या भी, बहुत सारे साधक अभी कहने लगे, हाँ गुरुदेव ने उनको ना तीन वरदान दिए हैं। अभी वो सोच रहे हो तीन कौन से वरदान मांगने हैं, तो गुरुदेव ने तो तीन ऑप्शन की बात की थी, वो तीन वरदान हो गए। तो ऐसे मज़ेदार मज़ेदार किस्से बनते रहते हैं, लेकिन वो किस्से बने कोई बात नहीं है, लेकिन सीरियसली गुरुदेव जो कहते हैं गंभीरता से उन बातों को, वो जिस अर्थ में कहना चाहते हैं उस अर्थ में समझने का प्रयास करूं। और इसीलिए ना गुरुदेव की बातें जो है ना, वो एक बार नहीं अनेक बार सुननी चाहिए, ताकि वो किस अर्थ में कह रहे हैं हम उसी अर्थ में उसको समझें। तो मैं कौन हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, जब हम बार बार इस बात को दोहराते हैं तो हम अपने आप को समझाते हैं कि मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। क्यों शुद्ध और पवित्र हैं? आपको खुद ही, आपका ब्रेन होगा, आपका जो दिमाग होगा, वो आपको कहेगा नहीं नहीं तू कहाँ से शुद्ध है यार, तूने बहुत सारे पाप किए, तेरे पाप का मैं भी साक्षीदार हूँ, मैंने देखा है तूने कितने पाप किए। क्योंकि ना पाप देखने वाले बाहर के दुनिया के लोग हो ना हो, अंदर की जो सिस्टम है ना वो तो देखती रहती है ना, उसको तो पता होता है। तो दिमाग ही आपको समझाएगा नहीं नहीं तूने तो बहुत सारे पाप किए। हाँ तो किए होंगे ना, समर्पण में आने से पहले बहुत सारे पाप किए होंगे। तो गुरुदेव ने कहा ना कि इस जन्म के तुम्हारे जितने भी पाप है वो मैं ग्रहण करने को तैयार हूँ, तो आपने समर्पित कर दिए, उन्होंने ग्रहण कर लिए और आपकी तभी तो जागृति हुई। तो सब पाप जब समर्पित कर दिए तो आप पापी कहाँ से हो गए, नहीं हुए ना। तो इसीलिए आप शुद्ध और पवित्र आत्मा हैं। ये जब तक आप नहीं मानेंगे, मतलब आपने अपने पाप अभी पकड़ के रखे, क्या आप अपने पाप से, क्या आप अपने दोषों से अपने आप को वो अपनी जेबें भरी रखना चाहते हो? नहीं भैया, मेरे दोष तो मेरे ही पास रखूंगा, मेरे दोष मेरे हैं, मैं क्यों दूं? क्या ऐसी भाव से रहेंगे हम लोग? तो यदि हम अपने इस चक्र को, विशुद्धि चक्र को शुद्ध रखना चाहते हैं, तो मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, ये एहसास आत्मा को कराते रहिए। लेकिन ये बोल करके सामूहिक ध्यान मत कीजिए, ये आप एहसास अपने आप को कराइए। जब भी आप घर में अकेले हैं, जब भी अंतर्मुखी मन हो, मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, बार बार ये एहसास आत्मा को करवाएंगे, तो आपके अंदर का वो जो दोष होगा ना, गिल्टी फीलिंग का, कुछ कमी है, ऐसा जो दोष है हमारा, वो दोष एकदम क्लियर हो जाएगा और हमारा विराट तत्व भी जागृत होगा। मतलब जब मैं एक आत्मा हूँ, तो आत्मा का कोई धर्म होता है क्या? देह का धर्म हो सकता है, क्योंकि देह ने जन्म लिया। तो आपका मन भी विशाल होगा, सभी धर्मों के प्रति आपकी आस्था होगी। धर्म जो धारण किया जाए, तो सबसे पहला तो हम अपना मानव धर्म ही धारण कर लें, बहुत बड़ी बात है। यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ के सारे कीटनाशक डाल करके, गाय बकरियों को डंडा लगा करके समर्पण का आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, समर्पण का डंडा, यानी अभी कोई ये नहीं कहे गुरु माने का समर्पण का डंडा, तो एक डंडे पे लिखा समर्पण और लगाया किसी को। बाबा समर्पण का यानी आपके हाथ में कुछ मत रखो, वो समर्पण आत्मा का रखो और जो गुरु शक्तियाँ हैं वो अपना कार्य करेंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल गुरु के प्रति, उन शक्तियों के प्रति समर्पित रहना है। उससे आगे बढ़ें तो हम मोह से छूटे हैं, हम चिंता से मुक्त हुए हैं, हम अपनी अंदर की भावना थी, लघुता ग्रंथि थी, उससे मुक्त हुए और ऊपर पहुँचे। अभी किस जगह का भय है पता है? वो सांप सीढ़ी का खेल आपने देखा होगा ना, बचपन में खेले होंगे सांप सीढ़ी का खेल। उसमें ना एक 99 नंबर आता है ना, उसके बाद 100 यानी जो मेन पहुंचने का घर है, वो 99 वाली जगह पे एक बहुत बड़ा सा सांप होता है, वो आपको सीधा उतार करके नीचे 8 या 9 नंबर पे ले आता है।
तो वो है अहंकार का सांप। तो आपकी अच्छे से आप बहुत अच्छे से आपका विकास चल रहा होगा, तो कौन सा सांप आपको डस सकता है? वो कौन से चीजें हैं जो आपको बहुत नीचे गिरा सकती हैं कि जहां से फिर से ऊपर उठने में आपको सचमुच समय लग सकता है? वो है अहंकार, आज्ञा चक्र, अहंकार का स्थान। ये गुरु का भी स्थान है, यही अहंकार का भी है। दोष अहंकार, और इसको क्लियर कर सकता है गुरु। तो यदि आप किसी भी पद पर हैं तो अहंकार आने का भय। देखो, अहंकारी इंसान के लिए कोई चीज़ जरूरी नहीं होती है। कोई सुंदर है उसको सुंदरता का अहंकार, कोई सही शेप में है उसको उसका अहंकार, कोई पढ़ाई में आ गए तो उसका अहंकार, आवाज़ अच्छी है तो उसका अहंकार। और सच कहें तो मुझे कई बार लगता है अहंकार मूर्खों को होता है। नहीं, मैंने सचमुच देखे, मैंने अपने साथ सर्विस करते समय, नौकरी कर रही थी जब मैं, उस समय मैंने आसपास देखा, मैं सोचती थी अरे मतलब ये किस चीज़ का अहंकार करती है, पता नहीं। मतलब ऐसी किसी चीज़, ईश्वर ने जो दिया सब अच्छा ही दिया रहता है, तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं, लेकिन मूर्खी अहंकार करते होंगे वो। तो कम से कम मैंने ऐसे एक नहीं 8-10 तो नमूने देखे ही हैं जो सचमुच एकदम बेवकूफ थे, मूर्ख थे, उनको अहंकार था। तो शायद उनको अपनी मूर्खता का ही अहंकार होगा कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि मुझसे मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे मूर्ख अपने आप को बेहद बुद्धिमान समझते हैं, और वो समझते मेरे से ज़्यादा तो कोई कुछ जानता ही नहीं है। वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं, क्योंकि ज्ञान कहीं रुकता नहीं है। कोई किसी से अधिक ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी उस ज्ञान तक तो हम पहुंचे ही नहीं जो ज्ञान हमें हमारी आत्मा दे सकती है। क्योंकि जो ज्ञान हमें आत्मा देगी वो हमारा अहंकार नहीं बढ़ाएगी। क्योंकि यदि हम भी साधक होकर के ये सोचें कि हमने ये स्कार्फ लगा लिया, वो गुरुदेव की भाषा में कहें तो, गुरुदेव के शब्दों में कहें तो, वो स्कार्फ बांधा हुआ गधा, वो स्वामी जी ने गधे की कहानी कही थी, तो हम ध्यान करते हैं इसका भी अहंकार ना रखें। कई बार कभी कभी साधक पूछते हैं, गुरु माँ हम लोगों को तो इतना वर्किंग प्लेस में जाते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, जैसे मुंबई में है तो ट्रेन में जाओ, लोकल ट्रेन में जाओ तो कितनी भीड़ होती है, बस में जाओ, और वैसे भी हम लोग रहते हैं, जाते हैं, आते जाते हैं, तो न जाने कितने लोगों के साथ हमारा ओरा टकराता है, हमारा ओरा उनके ओरा में मिक्स हो जाता है, उनके सारे दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। अरे कैसे आ सकते हैं? और आप ये अहंकार ही क्यों रखो कि आप उनसे बहुत अच्छे हो? कई बहुत अच्छे अच्छे लोग नजर आते हैं जो साधक नहीं है लेकिन बहुत अच्छी आत्मा है। बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं सब जगह समाज में, आप लोगों ने भी देखे होंगे। जरूरी है क्या कि वो साधक ही हों? नहीं होंगे, लेकिन वो एज ए पर्सन, एक व्यक्तित्व के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे बहुत अच्छे होते हैं। तो साधक ही अच्छे होते हैं, साधक होकर ही अच्छा हुआ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम साधक होने का भी अहंकार रखते हैं कि अरे मैं साधक हूँ, आसपास के सब लोगों से मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं इनके बीच में बैठा तो मेरा तो ओरा खराब हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि कोई प्रिकॉशन मत लो, मतलब अपनी तरफ से सारी सावधानियां रखनी चाहिए, तो वो सारी सावधानियां रखो ना, लेकिन बाकी गुरुदेव पे छोड़ दो। कि आप कहीं जा रहे हैं तो घर से तो आप पूरा सुरक्षा कवच लेकर के ही निकलो ना, कि गुरुदेव मैं जा रहा हूँ नौकरी करने जा रहा हूँ, जिसे आप घर पे मम्मी पापा को बोल के निकलते होंगे ना, घर पे जो भी होता है उसको बोल के निकलते हैं कि नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, जा रही हूँ, बोल के निकलने का सिस्टम तो है। मुझे ऐसे लगता है भारतीय लोगों में तो है, नहीं हो तो एडप्ट करो कि घर पे हमेशा बोल करके निकलो कि मैं यहाँ जा रही हूँ, जा रहा हूँ। एक नियम होना ही चाहिए कि आपके घर पे जरूर पता होना चाहिए किसी को कि आप कहाँ जा रहे हैं। हो सकता है घर में कोई ना हो तो फिर एक नोट लिख करके छोड़ के जाइए, मैं यहाँ जा रहा हूँ, जा रही हूँ। और
गुरुदेव के सूक्ष्म शरीर को प्रार्थना करके निकलिए, मैं यहाँ जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिए। और ये मान के चलिए कि वो आपके साथ हैं, तो फिर आपके आसपास चाहे जितनी भीड़ हो, आपके आसपास चाहे जितने लोग बैठे हों, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब गुरुदेव साक्षात आपके साथ हैं तो किसी का औरा क्या, किसी का कुछ क्या, कुछ भी नहीं हो सकता। Thanks for watching. Like. Comments. Share. And subscribe.